Hello everyone, welcome to the gitlectures.com. So today in this series of DSSSB computer science, we are going to discuss some questions of computer architecture and organization. So we have already discussed 100 MCQs of computer architecture and organization. In this video series, we will see the question number 101 to 150. So my name is Abdul Qadir and we are going to discuss question number 101 to 150 of computer architecture and organization. Question number 101 says the memory blocks are mapped onto the cache with the help of what? So they are talking about the mapping. Okay, so what is mapping? Mapping kya hai? So mapping ka simply means ye hai ki jab aap koi data main memory se cache ki taraf leke ja rahe ho. Let's say CPU kuch bhi access karega, to CPU sabse pehle data search karega cache memory ke andar. ओके लेट्स से ये मेन मेमोरी है और ये है आपकी कैश मेमोरी जो मेन मेमोरी से छोटी होगी. तो लेट्स से ये आपकी कैश मेमोरी है और ये मेन मेमोरी है. तो लेट्स से अगर सीपीयू को कुछ भी डेटा सर्च करना है तो पहले वो कैश मेमोरी के अंदर सर्च करेगा. अगर कैश मेमोरी के अंदर नहीं मिला डेटा तो वो सर्च करेगा मेन मेमोरी के अंदर, फिर मेन डेटा लेके आएगा मेन मेमोरी से कैश मेमोरी के अंदर, फिर कैश मेमोरी से ही एक्सेस करेगा. तो सीपीयू फाइनली डेटा कैश मेमोरी से एक्सेस करेगा. डेटा अगर कैश मेमोरी के अंदर नहीं मिलता तो वो है मिस. अगर कैशे मिस हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जो ब्लॉक मिस हुआ है वो मेन मेमोरी से उठा के आपको कैश मेमोरी के अंदर लेके आना पड़ेगा. अब प्रॉब्लम ये है जो मेन मेमोरी का ब्लॉक है, लेट्स से मेमोरी का ब्लॉक नंबर जीरो है, मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर जीरो कैश मेमोरी के कौन से ब्लॉक में जाए. लेट्स से कैश मेमोरी के अंदर फोर ब्लॉक्स हैं, 0 to 3. अब ये तो नहीं है कि हम कहीं भी डाल दें. तो मेन चीज़ ये है कि अब जो कैश मेमोरी से जो ब्लॉक उठ के जो मेन मेमोरी से ब्लॉक उठ के आ रहा है वो कैश मेमोरी में कहाँ पर मैप किया जाए, इसको बोलते हैं मैपिंग. तो हमारे पास में बहुत सारी मैपिंग टेक्निक्स हैं. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट मैप्ड, सेकेंड इज एसोसिएटिव मैपिंग, फिर सेट एसोसिएटिव मैपिंग. सो अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एसोसिएटिव मैपिंग हम कहते हैं कि जहाँ पर भी फ्री मिले, कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पर भी कैश मेमोरी में ब्लॉक फ्री मिलेगा वहीं मेन मेमोरी का ब्लॉक हम मैप कर देंगे. सेट एसोसिएटिव कैश में हम डिफरेंट तरीके से करते हैं. सेट एसोसिएटिव कैश जो है एक्चुअल में मेन मेमोरी एसोसिएटिव मैपिंग का और डायरेक्ट मैप का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम पहले डायरेक्ट मैप का फॉर्मूला लगाएंगे कैश सेट फाइंड आउट करने के लिए. उसके बाद में सेट के अंदर भी कई सारे ब्लॉक्स होंगे, तो उनमें से कौन से ब्लॉक में डेटा डालना है वो हम एसोसिएटिव मैपिंग के थ्रू देखेंगे. तो एसोसिएटिव मैपिंग के थ्रू सेट के अंदर जो भी ब्लॉक फ्री होगा उसमें डेटा डाल देंगे. तो अगर ये कह रहा है कि मैपिंग जो मेमोरी ब्लॉक्स हैं वो हम कैसे मैप करते हैं, किसकी फॉर्म में मैप करते हैं, तो वो है मैपिंग फंक्शंस. ओके, मैपिंग फंक्शन के अकॉर्डिंगली हम मेन मेमोरी का कोई भी ब्लॉक कैश मेमोरी के अंदर मैप करते हैं कि मेन मेमोरी का कोई ब्लॉक कैश मेमोरी के अंदर कहाँ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 102, ड्यूरिंग अ राइट ऑपरेशन इफ द रिक्वायर्ड ब्लॉक इज नॉट प्रेजेंट इन द कैश देन व्हाट इज दिस. दिस इज राइट मिस और राइट हिट ड्यूरिंग अ राइट ऑपरेशन. सो दिस इज अबाउट द राइट ऑपरेशन. तो दिस इज नोन एज राइट मिस. सिंपल सी चीज है, अगर सीपीयू ने लेट्स से कोई डेटा सर्च किया मेन मेमोरी के अंदर, कैश सबसे पहले वो सर्च करेगा कैश मेमोरी के अंदर. तो अगर डेटा कैश मेमोरी के अंदर मिल गया तो वो कैश मेमोरी से हिट, दो चीज़ हो सकती है, तो कैश मेमोरी में डेटा मिल गया या नहीं मिला. डेटा अगर मिला उसको बोलते हैं हिट, अगर डेटा नहीं मिला उसको बोलते हैं मिस. तो अगर मिस हो गया तो मिस की फॉर्म में क्या होगा, मेन मेमोरी से वो डेटा हम उठा के लेके आएंगे कैश के अंदर. ओके, यहाँ से हम कैश के अंदर ट्रांसफर करेंगे, फिर यहाँ से एक्सेस करेंगे सीपीयू में. तो इसको बोलते हैं राइट मिस. और अगर आप कुछ भी रीड कर रहे हो कैश मेमोरी से और कैश मेमोरी के अंदर नहीं मिला उसको बोलेंगे रीड मिस. तो अगर राइट के टाइम पे मिस हो रहा है तो राइट मिस, और रीड के टाइम पे हो रहा है तो रीड मिस. क्वेश्चन नंबर 103, इन विच प्रोटोकॉल द इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टली रिटर्न इन टू द मेन मेमोरी. ओके, ये कह रहा है कि हमारे पास में राइट पॉलिसीज हैं, जैसे राइट बैक एंड राइट थ्रू पॉलिसी. राइट पॉलिसी का मतलब क्या है? राइट पॉलिसी का मतलब ये है कि लेट्स से ये सीपीयू है आपके पास में और सीपीयू ने कोई डेटा एक्सेस किया कैश मेमोरी से, और हमें पता है कि कैश मेमोरी के अंदर जो डेटा स्टोर्ड है वो सबसेट है मेन मेमोरी का. मतलब क्या है कि जो मेन मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर्ड है उसी में से कुछ डेटा, उसका सबसेट डेटा हम कैश मेमोरी के अंदर स्टोर रखते हैं. वो सबसेट डेटा क्या है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं हम, जो बहुत ज़्यादा डेटा एक्सेस कर रहे हैं उसको हम कैश मेमोरी के अंदर रखते हैं. ओके, लाइक दिस. लेट्स से ये मेन मेमोरी है और ये है कैश मेमोरी. तो आप इनमें से कुछ डेटा कैश मेमोरी के अंदर रखोगे. ओके, यहाँ से मेन मेमोरी का कौन सा ब्लॉक कैश मेमोरी के कौन से ब्लॉक में डालना है वो हम करते हैं डिसाइड मैपिंग फंक्शंस के अकॉर्डिंगली.
लेकिन कैश मेमोरी में अब सीपीयू, लेट से यहाँ पे कोई डेटा था वर्ड नंबर जीरो, और यहाँ पे भी वो वर्ड नंबर जीरो था मेमोरी के अंदर भी। अब ये वर्ड नंबर जीरो जब सीपीयू मॉडिफाई करेगा, लेट से सीपीयू ने इस वर्ड नंबर जीरो को मॉडिफाई किया, कुछ डेटा मॉडिफिकेशन किया है, अब हमारे पास में दो ऑप्शन है। अब ये सीपीयू ने जो डेटा मॉडिफाई किया है तो सीपीयू तो कैश के अंदर ही राइट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि सीपीयू के पास में कैश मेमोरी है सबसे ज़्यादा पास में। तो दो अब प्रॉब्लम ये होगी कि कैश मेमोरी, अब सीपीयू ने एक डेटा मॉडिफाई किया है वर्ड नंबर जीरो और इसको राइट कर दिया कैश मेमोरी के अंदर। जब ये डेटा मॉडिफाई हुआ तो अभी ये कैश मेमोरी के अंदर है, कैश मेमोरी के अंदर तो इसी वर्ड की अलग कॉपी है और मेन मेमोरी के अंदर अलग कॉपी है, उसको बोलते हैं कैश कोहेरेंस। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कैश कोहेरेंस की। कैश कोहेरेंस का मतलब ये है जब सेम डेटा दो जगह पर है और अलग अलग कॉपीज है, क्योंकि सीपीयू ने जो यही वर्ड मॉडिफाई किया है लेकिन इसने राइट कहाँ किया है, कैश मेमोरी के अंदर। तो जो अपडेटेड वर्ड है वो कैश मेमोरी के अंदर तो आ गया है लेकिन मेन मेमोरी के अंदर नहीं आया है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम राइट पॉलिसी यूज करते हैं। दो तरह की पॉलिसीज है हमारे पास में, एक है राइट थ्रू और एक है राइट बैक। राइट थ्रू में हम ये कहेंगे कि जैसे ही अपडेट किया सीपीयू ने कोई वर्ड, तो जो अपडेशन है वो डायरेक्टली कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी के अंदर साइमल्टेनियसली भेजनी है। ठीक है, जो अपडेट हुआ है वर्ड उसकी अपडेट वर्ड कैश मेमोरी के अंदर एंड मेन मेमोरी के अंदर सेम टाइम पे भेजनी है, यानी कि दो जगह राइट करनी है आपको, कैश मेमोरी के अंदर भी एंड मेन मेमोरी के अंदर भी इमिडिएटली, जैसे आपने मॉडिफाई किया डेटा। राइट बैक कहता है कि अभी आप कैश मेमोरी के अंदर मॉडिफाई करो, बाद में जब आपको इसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी तब आप इस डेटा को मेन मेमोरी के अंदर भी अपडेट कर देना, क्योंकि ठीक है। तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू जो मॉडिफिकेशन करेगा वर्ड में वो मॉडिफिकेशन सिर्फ कैश मेमोरी के अंदर सेंड करेगा। ठीक है, अपडेटेड वर्ड जो होगा इनिशियली कैश मेमोरी के अंदर होगा। अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ कि आपको ये ब्लॉक जो है रिप्लेस करना पड़ गया, तो पहले आप क्या करोगे, रिप्लेस करने से पहले जो अपडेशन हुई थी इस वर्ड में वो पहले मेन मेमोरी के अंदर सेंड करोगे। ठीक है, वो वर्ड आप पहले अपडेट करोगे, नहीं तो क्या होगा, जो अपडेट होगी वो लॉस हो जाएगी। अगर जो ब्लॉक आप मिस कर रहे हो, जो ब्लॉक आप रिप्लेस कर रहे हो, अगर वो मॉडिफाई नहीं हुआ है तो आप सिंपली रिप्लेस कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वही ब्लॉक आपका मेन मेमोरी के अंदर भी पड़ा हुआ है अभी। ठीक है, लेकिन अगर अपडेट हुआ है वो ब्लॉक तो आपको पहले अपडेट भेजनी है मेन मेमोरी के अंदर, तब आप उसको रिप्लेस करोगे। ये है राइट बैक पॉलिसी। तो ये कह रहा है कि इन विच प्रोटोकॉल द इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टली रिटर्न टू मेन मेमोरी, द आंसर इज राइट थ्रू। तो राइट थ्रू में हम डायरेक्टली मेन मेमोरी के अंदर एंड कैश मेमोरी के अंदर अपडेट करेंगे वैल्यूज को। क्वेश्चन नंबर 104, द ओनली ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग द अर्ली स्टार्ट प्रोटोकॉल इज वॉट। अर्ली स्टार्ट प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? अर्ली स्टार्ट का प्रोटोकॉल का मतलब ये है, जैसे मैंने बताया था, अगर सीपीयू कोई डेटा एक्सेस करना चाहता है, अगर सीपीयू कोई वर्ड एक्सेस करना है, तो सीपीयू वो डेटा फेच करेगा कैश मेमोरी से। ओके, पहले सर्च करेगा कैश मेमोरी के अंदर, अगर डेटा कैश मेमोरी के अंदर नहीं मिलता तो वो पहले मेन मेमोरी के पास में जाएगा। ठीक है, लाइक दिस, लेट से दिस इज सीपीयू एंड दिस इज योर कैश एंड दिस इज मेन मेमोरी। ठीक है, तो ऐसे कनेक्टेड हैं। अब सीपीयू को डेटा एक्सेस करना है तो पहले वो कैश के अंदर सर्च करेगा, अगर कैश के अंदर नहीं मिला तो मिस हुआ, दैट मीन्स अगर सीपीयू ने जो डेटा एक्सेस किया है वो कैश के अंदर नहीं मिला, दैट इज मिस। तो मिस के केस में क्या होगा, नॉर्मली सीपीयू पहले डेटा, अब कैश के अंदर मिस है तो सीपीयू डेटा एक्सेस करेगा मेन मेमोरी से। एक्चुअली में सीपीयू मेमोरी से डेटा एक्सेस नहीं करता है, पहले वो डेटा ट्रांसफर होगा मेन कैश मेमोरी के अंदर, फिर कैश मेमोरी से वो डेटा पास होगा सीपीयू के पास में। ओके, फाइनली डेटा कैश मेमोरी के अंदर से ही ट्रांसफर होगा। लेकिन अर्ली स्टार्ट प्रोटोकॉल में क्या होगा, अगर सीपीयू ने कोई डेटा एक्सेस किया और वो कैश के अंदर नहीं मिला, अगर कैश मिस हुआ, तो इस केस में डेटा एक्सेस जो होगा वो मेमोरी से डायरेक्ट सीपीयू के अंदर होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्ली स्टार्ट। अगर दोनों में डिफरेंस क्या है, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, पहले डेटा मेमोरी से कैश के अंदर लेके आ रहे हैं, फिर कैश से सीपीयू के पास में। लेकिन अर्ली स्टार्ट प्रोटोकॉल में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डेटा मेन मेमोरी से एक्सेस करेंगे। इस केस में क्या होगा, अब अगली बार अगर आपको सेम वर्ड एक्सेस करना है तो फिर वो कैश के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने डायरेक्टली मेमोरी से एक्सेस किया था, कॉपी नहीं किया था कैश मेमोरी में। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, तो अगली बार फिर मिस होगा। तो इस तरह से इस केस में क्या होगा, हाई मिस रेट होगा, मिस रेट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जो डेटा आप बार बार एक्सेस कर रहे हो वो कैश के अंदर आप लेके नहीं आ रहे हो, आप डायरेक्टली मेमोरी से एक्सेस कर रहे हो और वो कैश के अंदर नहीं था। तो इनिशियली अगर वो कैश के अंदर नहीं था तो वो कभी भी कैश मेमोरी के अंदर नहीं होगा, क्योंकि आप डायरेक्टली मेमोरी से एक्सेस कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 105, द मेथड ऑफ मैपिंग द कंजिगेटिव मेमोरी ब्लॉक्स टू कंजिगेटिव कैश ब्लॉक्स इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मैपिंग। ओके, कंजिगेटिव मेमोरी ब्लॉक्स टू कंजिगेटिव कैश ब्लॉक्स, हाउ, लेट्स से आपका मेमोरी ब्लॉक नंबर है, आपको ये मेमोरी ब्लॉक नंबर एक्सेस करने हैं, 0, 1, 2, 3, 8, 9, 12,
थर्टी आपको फाइंड आउट करना है, लेट्स से नंबर ऑफ कैशे ब्लॉक्स हैं आपके पास में, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैशे, लेट्स से फोर। तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो कि ये ब्लॉक्स मेमोरी के ब्लॉक्स कैश के कौन से ब्लॉक में जाएंगे? हम कैश का ब्लॉक नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं सिंपल, दैट इज के मोड एन, जहां पर के है मेमोरी का ब्लॉक नंबर एंड एन है नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो हमें पता है कि मेमोरी का ब्लॉक नंबर्स ये हैं और नंबर ऑफ ब्लॉक्स सिर्फ एन, तो जीरो कहां जाएगा? जीरो मोड फोर, तो जीरो जाएगा जीरो कैश ब्लॉक में। वन मोड फोर क्या होगा? वन मोड फोर होगा वन, टू मोड फोर टू। तो लाइक दिस हमें पता है कि कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स जो हैं वो कंसेक्यूटिव कैश ब्लॉक्स में जा रहे हैं। तो ये है डायरेक्ट मैप, डायरेक्ट मैपिंग। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाइल यूजिंग द डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक इन ए 16 बिट सिस्टम द हायर ऑर्डर 5 बिट्स इज यूज्ड फॉर व्हाट? तो डायरेक्ट मैपिंग में जो आपका एड्रेस फॉर्मेट है, हम हर एक मैपिंग टेक्निक में एड्रेस को अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर कैश आपका डायरेक्ट मैपिंग है तो एड्रेस आपका एड्रेस फॉर्मेट होगा ये टैग इंडेक्स एंड ऑफसेट। ओके, ये है आपका टैग इंडेक्स एंड ऑफसेट, या फिर इसको बोल सकते हो टैग ब्लॉक एंड वर्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हायर ऑर्डर बिट्स के बारे में पूछ रहा है, 16 बिट सिस्टम द हायर ऑर्डर 5 बिट्स इज यूज्ड फॉर व्हाट? तो ये है आपकी लेट्स से 16 बिट्स, ये आपकी 16 बिट का एक एड्रेस है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो हायर ऑर्डर 5 बिट्स हैं, दिस 5 बिट्स, ये किस लिए यूज हो रही है? हमें पता है कि हायर ऑर्डर 5 बिट्स कहाँ के लिए यूज हो रही है? टैग के लिए, ठीक है। हायर ऑर्डर बिट्स जो है वो टैग के लिए, फिर आगे कुछ बिट्स इंडेक्स के लिए होगी और कुछ बिट्स ऑफसेट के लिए होगी। इसका मतलब ये कि 4 बिट का आपका ऑफसेट है और ये 7 बिट्स का आपका इंडेक्स है और 5 बिट्स का टैग है। तो एड्रेस को जो कैश मेमोरी रीड करेगी एड्रेस को, वो इस फॉर्म में करेगी टैग इंडेक्स ऑफसेट। सो हायर ऑर्डर 5 बिट्स आर फॉर टैग। इनडायरेक्ट मैपिंग द प्रेजेंस ऑफ द ब्लॉक इन मेमोरी इज चेक्ड विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक फील्ड। ओके, इज दिस ट्रू? ये कह रहा है कि इनडायरेक्ट मैपिंग द प्रेजेंस ऑफ द ब्लॉक इन मेमोरी इज चेक्ड विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक फील्ड। एक्चुअल में हम मेमोरी के अंदर जो आपका ब्लॉक है, जो आप ब्लॉक सर्च कर रहे हो, वो ब्लॉक आपका कैश मेमोरी के अंदर है या नहीं है आप कैसे पता लगाओगे? हमेशा याद रखना, हम टैग फील्ड यूज करते हैं डायरेक्ट मैपिंग में, और टैग फील्ड इसलिए है ये बताने के लिए कि हिट है या मिस। तो हर एक कैश मेमोरी के साथ में एक टैग मेमोरी है, ठीक है। टैग मेमोरी में क्या है? टैग मेमोरी में आपके सारे टैग्स हैं, हर एक ब्लॉक के साथ में एक टैग लगा हुआ होगा। लेट्स अगर आपके कैश मेमोरी के अंदर चार ब्लॉक हैं, लेट्स से यू हैव फोर ब्लॉक्स लाइक दिस, तो हर एक ब्लॉक के साथ में एक टैग होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये टैग बताएगा कि जो आप ब्लॉक सर्च कर रहे हो वो कैश मेमोरी के अंदर है या नहीं है। अगर टैग मैच हो रहा है, लेट से जो ब्लॉक के पास में टैग लगा हुआ है वो मैच हो रहा है, और जो आप मेमोरी के अंदर टैग है, जो सीपीयू ने टैग सेंड किया है और जो कैश मेमोरी के अंदर टैग लगा हुआ है, अगर वो मैच कर रहे हैं, तो मतलब कैश जो आप डायरेक्ट जो ब्लॉक सर्च कर रहे हो वो कैश मेमोरी के अंदर है। अगर टैग मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मिस है। तो हिट है या मिस है वो हम बताते हैं टैग के थ्रू, टैग फील्ड के थ्रू। तो ये कह रहा है कि इनडायरेक्ट मैपिंग द प्रेजेंस ऑफ द ब्लॉक इन मेमोरी, प्रेजेंस मतलब सर्च करना कि हिट है या मिस है, ऑफ द ब्लॉक इन चेक विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक फील्ड। एक्चुअली ब्लॉक फील्ड के बारे से नहीं हम करते हैं, हम टैग फील्ड के अकॉर्डिंग करते हैं। तीन फील्ड है आपके डायरेक्ट मैप कैशिंग में, पहला फील्ड है टैग, फिर है इंडेक्स और फिर है ऑफसेट। इसको ही हम ब्लॉक फील्ड भी बोलते हैं, क्योंकि हम नंबर ऑफ ब्लॉक से फाइंड आउट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं वर्ड फील्ड, और यह है टैग फील्ड। तो इनके अलग अलग नाम भी रखते हैं। तो एक्चुअली में इंडेक्स फील्ड तो ये बताने के लिए कि कौन से ब्लॉक नंबर कौन सा एक्सेस करना है, ठीक है। टैग फील्ड बताएगा कि वो ब्लॉक कैश मेमोरी के अंदर है या नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 108, इन एसोसिएटिव मैपिंग इन ए 16 बिट सिस्टम द टैग फील्ड हैज हाउ मेनी बिट्स? ओके, ये पूछ रहा है कि एसोसिएटिव मैपिंग में 16 बिट के सिस्टम में द टैग फील्ड हैज हाउ मेनी बिट्स। एक्चुअली ये क्वेश्चन का आंसर हम बता नहीं सकते हैं। जो टैग एसोसिएटिव मैपिंग है उसमें एड्रेस फॉर्मेट ये होगा इन केस ऑफ एसोसिएटिव मैपिंग। तो ये कह रहा है कि जो एड्रेस है वो 16 बिट का है।
ओके सॉरी, हम बता सकते हैं एक्चुअली मैं कह रहा है कि 16 बिट सिस्टम ना कि एड्रेस, ये 16 बिट सिस्टम की बात कर रहा है। तो जब ये 16 बिट सिस्टम की बात कर रहा है इसका मतलब क्या है? ओके 16 बिट सिस्टम का मतलब है कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 16 बिट का है, ठीक है। 16 बिट का अगर माइक्रो प्रोसेसर, इसका मतलब क्या है कि रजिस्टर जो है वो 16 बिट के होंगे, जो आपकी डेटा बस है वो 16 बिट की होगी, जो आपका वर्ड साइज है, मेन चीज जो आपका वर्ड साइज है वो 16 बिट का होगा। और वर्ड साइज से आप ऑफसेट फील्ड निकाल सकते हो, कैसे? ये है आपका एड्रेस फॉर्मेट इन केस ऑफ एसोसिएटिव मैपिंग। एसोसिएटिव मैपिंग में आपके जो एड्रेस है वो दो पार्ट्स में है, टैग एंड ऑफसेट, ठीक है, टैग एंड ऑफसेट। तो ये कह रहा है कि जो वर्ड फील्ड है, अब वर्ड साइज 16 बिट का है, ठीक है, अगर वर्ड आपका 16 बिट का है तो आपको ऑफसेट के लिए कितनी कितनी बिट चाहिए होगी? ऑफसेट इक्वल्स टू लॉग बेस टू साइज ऑफ वर्ड, ऑफसेट इक्वल्स टू लॉग बेस टू ब्लॉक साइज। एक्चुअली हम ब्लॉक साइज से निकालते हैं ऑफसेट। तो अगर आपके पास में इंडेक्स है, जो इंडेक्स फील्ड है वो हम निकालते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स से, लॉग बेस टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स। जो आपका ऑफसेट फील्ड है वो हम फाइंड आउट करते हैं कहां से? लॉग बेस टू ब्लॉक साइज से, ठीक है। तो हमारे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जिससे हम बता सकें कि टैग फील्ड कितने बिट का होगा। ओके सो दिस क्वेश्चन इज एम्बिगुअस, क्योंकि हम ऑफसेट फील्ड जो फाइंड आउट करते हैं वो ब्लॉक साइज से फाइंड आउट करते हैं, और हमारे पास में वर्ड साइज की इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन ब्लॉक साइज की इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109, द एसोसिएटिव मैपिंग इज कॉस्टियर देन द डायरेक्ट मैपिंग। ओके इज दिस ट्रू? यस दिस इज ट्रू। वाई? बिकॉज एसोसिएटिव मैपिंग में हम क्या करते हैं, हर एक ब्लॉक के साथ में एक कंपेरेटर लगा हुआ होगा, हर एक ब्लॉक के साथ में एक कंपेरेटर। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंपेरेटर्स, किसमें? इन केस ऑफ एसोसिएटिव, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके पास में कोई कोई एसोसिएटिव मैपिंग में कोई ब्लॉक फील्ड नहीं है, कोई इंडेक्स फील्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं बता सकते हो आपके कि आपको कौन सा टैग मैच करना है, कौन से ब्लॉक का टैग मैच करना है, क्योंकि आपके पास में इंडेक्स फील्ड नहीं है। तो आपको सारे के सारे ब्लॉक्स जो है वो पैरेलली मैच कराने पड़ेंगे टैग से। इसलिए क्या होगा, नंबर आपको नंबर ऑफ कंपेरेटर्स चाहिए होंगे, नंबर ऑफ कंपेरेटर्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स इक्वल होंगे, हर एक ब्लॉक के साथ में कंपेरेटर लगा हुआ होगा, और जो सीपीयू ने टैग सेंड किया है उस टैग के साथ में सारे के सारे ब्लॉक के जो कंपेरेटर्स होंगे वो हम मैच कराएंगे पैरेलली। लेकिन डायरेक्ट मैपिंग में क्या होगा, डायरेक्ट मैपिंग में आपके पास में एक फील्ड है, दैट इज ब्लॉक फील्ड, और इसको बोलते हैं इंडेक्स फील्ड। तो इंडेक्स फील्ड आपको ये बता देगा कि कौन से ब्लॉक पे जाना है, उस ब्लॉक पे जाने के बाद में आप क्या कर सकते हो, टैग मैचिंग कर सकते हो। तो डायरेक्ट मैपिंग में सिर्फ एक कंपेरेटर चाहिए होता है, वन कंपेरेटर इनफ। तो ऑब्वियसली जो आपका एसोसिएटिव मैपिंग है वो कॉस्टियर है किससे, डायरेक्ट मैपिंग से, क्योंकि नंबर ऑफ कंपेरेटर्स जो है बहुत सारे चाहिए होंगे आपको, जितने ब्लॉक्स हैं उतने कंपेरेटर चाहिए होंगे। तो ए इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 110, द टेक्निक ऑफ सर्चिंग फॉर ए ब्लॉक बाय गोइंग थ्रू ऑल द टैग इज नोन एज व्हाट? तो ये कहते हैं एसोसिएटिव सर्च, द टेक्निक ऑफ सर्चिंग फॉर ए ब्लॉक बाय गोइंग थ्रू ऑल द टैग्स। जैसे हमने अभी बात की, क्योंकि आपके पास में कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि आप ये बता पाओ कि इस ब्लॉक में डेटा मिलेगा, क्योंकि आपके पास में कोई ब्लॉक फील्ड नहीं है। एसोसिएटिव मैपिंग में आपका जो एड्रेस फॉर्मेट है वो ऐसे है, टैग एंड ऑफसेट, ठीक है, सिर्फ ये फील्ड है आपके पास में। तो सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया, वर्चुअल एड्रेस, जो एड्रेस ये है, ठीक है, सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया। तो इस टैग को लेके जाओगे आप कहाँ पे, इस टैग को लेके जाओगे आप कैश मेमोरी के पास में, ये है आपकी कैश मेमोरी, लेट से चार ब्लॉक हैं इसके अंदर, तो हर एक ब्लॉक के साथ में एक टैग लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लेट से T1, T2, T3, T4, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये टैग कौन से ब्लॉक के साथ में मैच कराना है, क्योंकि कोई ब्लॉक फील्ड नहीं है, कोई इंडेक्स फील्ड नहीं है। अगर इंडेक्स फील्ड होता तो आप ये बता देते कि हाँ इस वाले ब्लॉक के साथ में मैच करना है, सिर्फ इसके साथ में, लेकिन आपके पास में कोई इंडेक्स फील्ड नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबके साथ में टैग मैच कराओगे, हर एक के साथ में एक टैग, एक कंपेरेटर लगा हुआ है, ये टैग आपको हर हर एक ब्लॉक के साथ में मैच कराना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव मैपिंग एंड एसोसिएटिव सर्च। द सेट एसोसिएटिव मैप टेक्निक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द डायरेक्ट मैपिंग एंड एसोसिएटिव टेक्निक। ये ट्रू है। कैसे हैं सेट एसोसिएटिव मैपिंग? सेट एसोसिएटिव मैप जो करते हो, सेट एसोसिएटिव मैपिंग में हम क्या करते हैं,
सेट असर्टिव में हम ये करते हैं कि कुछ ब्लॉक्स का एक सेट बना देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास में एक कैश मेमोरी है और इसमें फोर ब्लॉक्स हैं, ठीक है। लेट्स से ये हैं आपके सेट्स और हर एक सेट के अंदर लेट्स से दो ब्लॉक हैं, ठीक है। ये है आपका सेट नंबर जीरो, यह है सेट नंबर वन, सेट नंबर टू एंड सेट नंबर थ्री। तो फोर सेट्स हैं आपके पास में और हर एक सेट के अंदर आपके पास में दो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक नंबर जीरो एंड ब्लॉक नंबर वन। तो अब मेमोरी से कोई ब्लॉक आएगा वो कहाँ पे डालना है, एड्रेस फॉर्मेट क्या होगा। एड्रेस फॉर्मेट होगा जो सीपीयू एड्रेस जनरेट करेगा वो तीन फील्ड में जनरेट करेगा, टैग, सेट नंबर एंड ऑफसेट, ठीक है। तो सेट नंबर आपको बता देगा कि आपके कौन से सेट में जाना है। लेट्स से आपको सेट नंबर ने कहा कि आपको सेट नंबर वन पे जाना है, जो सेट नंबर वाला फील्ड था वो था 01, ठीक है। टैग फील्ड है लेट्स से 00 एंड ऑफसेट फील्ड है 1, ठीक है। ऑफसेट फील्ड जो होगा वो 1 बिट का होगा क्योंकि एक सेट के अंदर दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ओके, दिस विल बी मोर। लेट्स से एक एक ब्लॉक के अंदर आपके पास में चार वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 वर्ड्स हैं, तो आपका 10 2 बिट्स का ऑफसेट फील्ड होगा क्योंकि हम ऑफसेट फील्ड फाइंड आउट करते हैं ब्लॉक साइज से। तो सेट ने बता दिया कि आपको ब्लॉक सेट नंबर वन के पास जाना है। अब सेट नंबर वन में दो ब्लॉक हैं, ब्लॉक नंबर जीरो एंड ब्लॉक नंबर वन। इनमें से किसके अंदर सर्च करना है, किसके अंदर, इनमें से किसके अंदर राइट करना है डेटा जो आप लेके आ रहे हो, ठीक है। लेट से कुछ राइट कर रहे हो उसके अंदर, तो डेटा आप राइट कर दोगे जो भी ब्लॉक फ्री होगा इनमें से। तो आप दो टेक्निक यूज़ कर रहे हो, सेट नंबर जो आपका सेट है, आप जो ब्लॉक नंबर सेट नंबर फाइंड आउट करोगे कि डेटा कहाँ पर डालना है वो अकॉर्डिंग टू सेट नंबर करोगे। यानी कि सेट नंबर क्या होगा, सेट नंबर इक्वल्स टू के मोड एस। के है आपका मेमोरी ब्लॉक नंबर एंड एस है नंबर ऑफ सेट्स। अगर फोर सेट्स हैं तो आप इसके अकॉर्डिंगली मैपिंग करोगे। अब आपको मैप करने के बाद में चल जाएगा पता कि आपको कौन से सेट में मैप करना है, लेकिन उस सेट के अंदर दो ब्लॉक्स हैं, कौन से ब्लॉक में डालना है वो एसोसिएटिव मैपिंग के थ्रू करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं जो सेट एसोसिएटिव मैपिंग है वो डायरेक्ट मैपिंग एंड एसोसिएटिव मैपिंग का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 112, इन सेट एसोसिएटिव टेक्निक द ब्लॉक्स आर ग्रुप्ड इनटू सेट्स। ओके, इन सेट एसोसिएटिव मैपिंग द ब्लॉक्स आर ग्रुप्ड इनटू हाउ मेनी सेट्स। सो दिस क्वेश्चन इज एम्बिगुअस, यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि कितने वे सेट एसोसिएटिव है। अगर फोर वे सेट एसोसिएटिव का मतलब ये है कि एक एक सेट में चार ब्लॉक हैं, वन सेट इक्वल्स टू फोर ब्लॉक्स। तो ये जो फोर है ये बता रहा है कि कितने ब्लॉक्स हमने एक सेट में ग्रुप करे हुए हैं, ठीक है। ये जो नंबर है ये बताएगा, लेट्स से अगर एट वे है तो ये कह रहा है कि आपने एट ब्लॉक्स जो हैं वो एक सेट के अंदर ग्रुप किए हुए हैं। तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी दी भी नहीं है तो आप कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 113, अ कंट्रोल बिट कॉल्ड हैज टू बी प्रोवाइडेड इन ईच ब्लॉक इन सेट एसोसिएटिव। तो सेट एसोसिएटिव में एक बिट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये बताने के लिए कि ये ब्लॉक रेफरेंस हुआ है या नहीं हुआ है। तो हर एक ब्लॉक के साथ में, हर एक सेट के साथ में एक बिट होगी जो ये बताएगी कि ये जो आपका पर्टिकुलर सेट है ये अभी अभी रेफरेंस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो ब्लॉक रेफरेंस हुआ, अगर वो सेट रेफरेंस हुआ तो रेफरेंस बिट जो है वो वन हो जाएगी, अगर रेफरेंस नहीं हुआ है तो वो जीरो रहेगी। तो हम ऐसे करेंगे, लेट्स से ये आपकी सेट एसोसिएटिव कैसे हैं और हर एक सेट के अंदर लेट्स से आपके फोर ब्लॉक्स हैं और नंबर ऑफ सेट्स हैं फोर। तो एस वन लेट्स से एस जीरो, एस वन एस टू एंड एस थ्री, एंड ब्लॉक्स हैं ब्लॉक नंबर जीरो, ब्लॉक वन, ब्लॉक टू एंड ब्लॉक थ्री। तो हर एक सेट के साथ में हम एक बिट रखेंगे जिसको बोलते हैं रेफरेंस बिट, और ये रेफरेंस बिट हम सेट करेंगे जब भी इसको रेफरेंस करेंगे। रेफरेंस करने का मतलब क्या है कि जैसे ही सीपीयू ने इस सेट को एक्सेस किया, एक्सेस का मतलब है कि रेफरेंस करना, वैसे ही हम इसकी रेफरेंस बिट जो है वो वन सेट कर देंगे। तो ये बिट कहाँ काम आएगी, ये बिट काम आएगी जब आप रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज़ करोगे। तो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ऐसे ब्लॉक्स को रिप्लेस कर देगी, अगर पर्टिकुलर एल्गोरिथम पे डिपेंड करेगा तो ऐसे एल्गोरिथम को रिप्लेस कर देगी, ऐसे सेट को ब्लॉक को रिप्लेस करेगी जिसकी रेफरेंस बिट जो है वो जीरो, यानी कि जो अभी तक रेफरेंस नहीं हुआ है। ओके, तो रेफरेंस बिट आपका हेल्प करेगी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स में। क्वेश्चन नंबर 114, द बिट यूज्ड टू इंडिकेट वेदर द ब्लॉक वाज रिसेंटली यूज्ड और नॉट। जैसे मैंने अभी बताया रेफरेंस बिट, रेफरेंस बिट क्या करती है, अगर आपने कोई ब्लॉक एक्सेस किया है अभी अभी तो रेफरेंस बिट वन हो जाएगी। तो अब जब दोबारा उसको जब आप उस सेट को या उस ब्लॉक को दोबारा एक्सेस करोगे
तो आपको ये देखना पड़ेगा कि रेफरेंस बिट क्या है। अगर रेफरेंस बिट 1 है तो आपने अभी अभी एक्सेस किया है, अगर रेफरेंस बिट 0 है तो अभी आपने एक्सेस नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 115, डेटा विच इज नॉट अप टू डेट इज कॉल्ड एज वॉट, दैट इज नोन एज डर्टी डेटा। ठीक है, डेटा विच इज नॉट अप टू डेट, डेटा अप टू डेट का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी कैशे कोहेरेंस की प्रॉब्लम बताई थी। कैशे कोहेरेंस का मतलब ये है कि जब सेम डेटा दो अलग अलग मेमोरीज के अंदर स्टोर्ड है और दोनों मेमोरीज में अलग अलग कॉपी है उस डेटा की। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि लेट्स से सीपीयू ने कोई डेटा एक्सेस, डेटा कोई मॉडिफाई किया है कैश मेमोरी के अंदर। ठीक है, ये आपकी कैश मेमोरी और इसके अंदर एक ब्लॉक, एक वर्ड था, वर्ड नंबर 0, वही सेम वर्ड आपका मेन मेमोरी के अंदर भी था। लेकिन लेट्स से ये है मेन मेमोरी और उसके अंदर भी वो वर्ड नंबर 0 था कहीं पर। तो जब कैश सीपीयू ने सीपीयू इस वर्ड को एक्सेस करेगा कहाँ से, कैश मेमोरी से। ठीक है, यहाँ से एक्सेस किया, एक्सेस करने के बाद में उसको मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद में वापस राइट किया कैश मेमोरी के अंदर ही। अब कैश मेमोरी सीपीयू ने इसको मॉडिफाई करने के बाद में कैश मेमोरी के अंदर राइट किया है, यानी कि जो अपडेटेड वैल्यू है वो कैश मेमोरी के अंदर है लेकिन मेन मेमोरी के अंदर नहीं है, तो ये अप टू डेट डेटा नहीं है। ठीक है, डेटा अप टू डेट नहीं है इसलिए इसको बोलते हैं डर्टी डेटा। तो मेन मेमोरी के अंदर डर्टी डेटा है और कैश मेमोरी के अंदर अपडेटेड डेटा है। क्वेश्चन नंबर 116, द मेन मेमोरी इज स्ट्रक्चर्ड इनटू मॉड्यूल्स ईच विद इट्स ऑन एड्रेस रजिस्टर कॉल्ड व्हाट। तो हर एक मेन मेमोरी आपने मॉड्यूल्स में डिवाइड की हुई है और हर एक मॉड्यूल का एक अलग एड्रेस रजिस्टर है, उसको बोलते हैं एड्रेस बफर रजिस्टर, जो रजिस्टर एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, हर एक मेमोरी सेल का एक एड्रेस होगा और वह एड्रेस स्टोर होगा एड्रेस बफर रजिस्टर में, ABR। 117, व्हेन कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस आर एक्सेस्ड ओनली वन मॉड्यूल इज एक्सेस्ड एट ए टाइम। ठीक है, ये कह रहा है कि जब आप किसी मेमोरी की कॉन्सिक्यूटिव लोकेशंस एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, तो वन मॉड्यूल इज एक्सेस्ड एट ए टाइम, सो दिस इज ट्रू। आप मेन मेमोरी का एक टाइम पे एक ही ब्लॉक या एक ही वर्ड एक्सेस कर सकते हो, आप पैरेलली कई सारे वर्ड एक्सेस नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 118, इन मेमोरी इंटरलीविंग द लोअर ऑर्डर बिट्स ऑफ द एड्रेस आर यूज्ड टू गेट द डेटा, गेट द एड्रेस ऑफ द मॉड्यूल, गेट द एड्रेस ऑफ द डेटा विद इन द मॉड्यूल और नन ऑफ द अबव। ये कह रहा है कि लेट्स से अगर आपका एक मेमोरी है और आपने क्या किया हुआ है, इस मेमोरी को वर्ड्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, लेट्स से ये आपका हर एक वर्ड जो है वर्ड का साइज 4 byte है, तो ये लेट्स से वर्ड नंबर 0 है जिसके अंदर आपके 4 bytes हैं, बाइट नंबर 0, 1, 2, 3। ठीक है, इसी तरह आपके वर्ड्स हैं, अलग अलग वर्ड्स, तो अब एड्रेस जो आएगा वो एड्रेस इस फॉर्म में आएगा। लेट्स से आपके इसके मेमोरी का जो साइज है, मेमोरी का साइज है लेट्स से 164 words। ठीक है, एंड वर्ड साइज है आपका 4 bytes, तो एड्रेस कैसे आएगा, एड्रेस तो वर्ड्स की फॉर्म में आएगा, 6 bit का एड्रेस होगा। ओके, तो 6 bit का एड्रेस वर्ड का होगा, उसके अंदर 2 byte का आपका 2 bits का एड्रेस होगा वर्ड आपके बाइट के लिए। तो सीपीयू क्या करेगा, एक बार में एक बाइट ही एक्सेस करता है, तो एड्रेस जो होगा वो 8 bit का होगा, एड्रेस आपका 8 bit का होगा और वो 8 bit 2 parts में डिवाइडेड होगी, कैसे, वर्ड नंबर एंड बाइट नंबर। तो ये वर्ड नंबर 4 bit बताएगी कि वर्ड नंबर कौन सा एक्सेस करना है और उस वर्ड के अंदर कौन सी बाइट एक्सेस करनी है। ठीक है, तो ये लोअर ऑर्डर बिट से, ये हायर ऑर्डर बिट से, तो लोअर ऑर्डर बिट बता रही है कि उस वर्ड के अंदर कौन सा डेटा एक्सेस करना है, कौन सी बाइट एक्सेस करनी है, क्योंकि एक वर्ड के अंदर 4 bytes हैं, तो गेट द एड्रेस ऑफ द डेटा विद इन द मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 119, द नंबर ऑफ सक्सेसफुल एक्सेसेस टू मेन मेमोरी टू मेमोरी स्टेट एज ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट। सक्सेसफुल एक्सेस का मतलब क्या है, कि डेटा मेमोरी के अंदर मिल गया है। ठीक है, सक्सेसफुल एक्सेस मतलब डेटा मेमोरी के अंदर मिल गया है, इसका मतलब क्या है कि हिट रेट, वी आर टॉकिंग अबाउट हिट रेट। तो आपने एक मेमोरी के अंदर लेट से 100 एक्सेस किए और 100 में से आपको 90 times डेटा मिला और 10 times डेटा नहीं मिला, तो 90 times जो डेटा मिला उसको बोलते हैं 90/100, दैट इज फ्रैक्शन। तो 90/100 मीन्स 0.9, ये है आपका हिट रेट, और जो रिमेनिंग 10 थे वो आपको मेमोरी के अंदर नहीं मिले, इसको बोलते हैं मिस रेट। ओके, सो दिस इज मिस रेट, जब डेटा नहीं मिला और सक्सेसफुल एक्सेस है तो हिट रेट। क्वेश्चन नंबर 120, द नंबर ऑफ फेल्ड अटेम्प्ट्स टू एक्सेस मेमोरी स्टेट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज मिस रेट। तो फेल्ड अटेम्प्ट मीन्स
डेटा नहीं मिला, दैट इज मिस रेट. सक्सेसफुल अटेम्प्ट, दैट मीन्स हिट रेट. 121, इन एसोसिएटिव मैपिंग ड्यूरिंग LRU द काउंटर ऑफ द न्यू ब्लॉक इज सेट टू जीरो एंड ऑल द अदर्स आर इंक्रीमेंटेड बाय वन. व्हेन व्हाट हैपेंस? तो इस केस में कह रहा है कि जब भी कोई नया ब्लॉक आएगा तो उसका काउंटर हम जीरो सेट कर देंगे. इसका मतलब क्या है कि नया ब्लॉक कब आएगा? जब कैश के अंदर मिस हुआ होगा. तो कैश के अंदर अगर मिस हुआ है तो जो न्यू ब्लॉक आएगा उसका हम काउंटर सेट कर देंगे जीरो पे. तो LRU में हम क्या करते हैं, हर एक ब्लॉक के साथ में एक काउंटर मेंटेन रखते हैं. LRU का मतलब है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड. काउंटर रखना क्यों जरूरी है, आप पता कैसे लगाओगे कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कौन सा है? तो जिसका काउंटर की वैल्यू सबसे कम होगी, इसका मतलब क्या है कि वो सबसे कम यूज हुआ है. तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में काउंटर की जरूरत पड़ेगी. तो जिसकी काउंटर, हर एक ब्लॉक के साथ में एक काउंटर होगा, जिस ब्लॉक की काउंटर वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसको आप रिप्लेस नहीं करोगे, जिसकी सबसे कम होगी उसको आप रिप्लेस कर दोगे. तो जब कोई मिस होगा तो एक नया ब्लॉक आएगा, इसका मतलब क्या है कि वो सबसे कम यूज़ हुआ है क्योंकि वो अभी अभी आया है. तो इस केस में जब मिस होगा तब आप ये चीज़ करोगे. 122, इफ हिट रेट्स आर वेल बिलो 0.9 दे आर कॉल्ड एज स्पीडी कंप्यूटर्स. ओके, दिस इज फॉल्स. तो अगर आपका जो आपका हिट रेट है वो 0.9 से कम है, इसका मतलब क्या है कि 90% ऑफ द टाइम डेटा कैश मेमोरी के अंदर नहीं मिला, तो उस केस में स्पीडी कंप्यूटर तो हो ही नहीं सकते हैं. क्योंकि आपको डेटा जो एक्सेस कर रहे हो, अगर आपको डेटा कैश मेमोरी के अंदर नहीं मिल रहा है तो आपको मेन मेमोरी से लेके आना पड़ेगा, यानी कि मिस पेनल्टी लगेगी. उस केस में क्या होगा, जो मेमोरी एक्सेस टाइम है एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा. तो अगर मेमोरी एक्सेस टाइम बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा साइकिल्स लगेगी. तो इस केस में वो कंप्यूटर स्लो हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 123, द एक्स्ट्रा टाइम नीडेड टू ब्रिंग द डेटा इनटू मेमोरी इज कॉल्ड इन केस ऑफ ए मिस इज कॉल्ड व्हाट. तो आप क्या करते हो, अगर मैं एवरेज टाइम देखूं, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो लेट्स से कैशे का हिट टाइम है HC, दैट इज हिट रेशियो ऑफ कैश मेमोरी इनटू एक्सेस टाइम ऑफ कैश मेमोरी इज TC. तो एक ऑप्शन तो ये कि डेटा कैश मेमोरी के अंदर मिल गया, तो इस केस में क्या होगा, सिंपली आप डेटा एक्सेस कर लोगे. लेकिन अगर डेटा कैश मेमोरी के अंदर नहीं मिला, दैट इज मिस. वन माइनस हिट रेशियो इज कॉल्ड एज मिस रेशियो. तो ये आपका मिस रेशियो. इस केस में क्या होगा, अगर आप मिस हुआ तो पहले आपको मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी, डेटा मेमोरी से लेके फिर कैश मेमोरी के अंदर लेके आना पड़ेगा, तब आप एक्सेस करोगे. तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं रीड एलोकेट और राइट एलोकेट, इसी को बोलते हैं मिस पेनल्टी. मिस पेनल्टी का मतलब क्या है कि जब डेटा कैश मेमोरी के अंदर नहीं मिला तो डेटा पहले मेमोरी एक्सेस करो, वो डेटा मेमोरी से उठा के कैश मेमोरी के अंदर लेके आओ. तो जो टाइम है मेमोरी एक्सेस करने का टाइम एंड कैश मेमोरी का एक्सेस करने का टाइम, इसको बोलते हैं मिस पेनल्टी. ओके, टू ब्रिंग द डेटा इन टू मेमोरी इन केस ऑफ ए मिस इज कॉल्ड एज मिस पेनल्टी. क्वेश्चन नंबर 124, वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स. सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 124 वी आर गोइंग टू डिस्कस कंट्रोल यूनिट. ओके, द फंक्शनैलिटी ऑफ कंट्रोल यूनिट इज टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल्स. ओके, कंट्रोल यूनिट जनरेट्स द कंट्रोल सिग्नल्स. आप कोई भी इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसके लिए कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगी, तभी आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे. ठीक है, तो कंट्रोल सिग्नल आप दो तरह से जनरेट कर सकते हो, या तो हार्डवेयर के थ्रू और या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू. अगर हार्डवेयर के थ्रू कर रहे हो दैट इज नोन एज हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, और सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हो तो दैट इज नोन एज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट. सो हम कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर सकते हैं हार्डवेयर के थ्रू या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू. अगर आप हार्डवेयर के थ्रू कर रहे हो, यानी कि कंट्रोल सर्किट के थ्रू कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट. और सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हो, यानी कि किसी प्रोग्राम के थ्रू कर रहे हो, दैट इज नोन एज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट. और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट भी दो तरह की है, एक तरह के वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग एंड एक है हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग. तो वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम जो कंट्रोल सिग्नल्स रखेंगे वो एक मेमोरी के अंदर रखेंगे और वो इनकोडेड फॉर्म में होंगे. ओके, डिकोडेड फॉर्म में होंगे, जिसके लिए आपको डिकोडर चाहिए होगा. तो ये कह रहा है कि डिफरेंट वेज ऑफ जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के थ्रू भी करते हैं और हार्डवेयर के थ्रू भी करते हैं. तो बोथ ऑफ देम माइक्रो प्रोग्राम एंड हार्डवेयर, इन दोनों के थ्रू हम क्या करते हैं, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करते हैं. द टाइप ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड बेस्ड ऑन वॉट, इस कंटेंट ऑफ द स्टेप काउंटर, कंटेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, कंटेंट ऑफ द कंडीशन फ्लॉग्स. एक्चुअली ऑल ऑफ दीज आर यूज टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल्स. हम कंटेंट ऑफ द स्टेप काउंटर भी यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी यूज करते हैं और कंटेंट ऑफ कंडीशनल फ्लैग्स भी.